जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामरूप देश के कामाख्या मंदिर के बारे में। आसाम के नीलांचल पर्वत पर स्थित माता कामाख्या का ये मंदिर जो है, ये मुख्य रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए, मांत्रिक विधियों के लिए और यांत्रिक प्रयोगों के लिए मशहूर है। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो इस मंदिर में व्यक्ति भक्ति भाव के कारण कम और तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अधिक जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तांत्रिक सिद्धियाँ वास्तविकता में बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, ये सत्य है, ये पूर्ण प्रमाणित बात है, परंतु इसका कारण बहुत कम लोग जानते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं बताऊँगा कि कामाख्या देवी में अम्बुबाची मेला कितने सालों में कितनी बार लगता है, या फिर इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर भरी हुई हैं जिनमें थंबनेल में योनि पूजन के चित्र लगा करके लोगों को क्लिकबेट करके और वहीं घिसी पिटी कहानियाँ लोगों को सुना देते हैं कि इस मंदिर पे माता सती का योनि अंग गिरा हुआ है, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूँ कि जो बात आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये है तो बहुत सामान्य बात लेकिन किसी के ध्यान में नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति इसके बारे में जानता है, ना ही कोई व्यक्ति इसके बारे में बात करता है। बात करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि बात पता होनी चाहिए। श्री कपाल भैरव सिद्धांतिक तंत्र संस्थान प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि आपको सैद्धांतिक जानकारी दी जाए, आपको लॉजिकल बातें बताई जाए, आपको वो बातें बताई जाए जिनसे कि आप तर्क कर सको, जिससे कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सको। इसीलिए मैंने शोध करके, आत्ममंथन करके, ध्यान मार्ग के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें मैंने पता करी कामाख्या देवी मंदिर के बारे में, जिससे कि आप जब उन बातों को जानेंगे तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कामाख्या देवी मंदिर में तांत्रिक सिद्धियाँ क्यों जल्दी होती हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि माता सती के पहले माता आदिशक्ति ने 106 जन्म लिए थे। जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, शास्त्र सम्मत बात है ये कि माता पराशक्ति ने, माता परमेश्वरी ने सती से पूर्व 106 जन्म लिए थे। लेकिन माता सती के ही पिंड क्यों स्थापित हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठना चाहिए था लेकिन नहीं उठ पाया, क्योंकि व्यक्ति तार्किक बुद्धि से नहीं सोचता इन बातों को। तंत्र के पतन का एक कारण ये भी था कि व्यक्ति तर्क नहीं करता था। जब तक आप तर्क नहीं करोगे तब तक आप गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाओगे, आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि हमारा तंत्र जो है वो कितना विकसित है, वो कितना उन्नत है और उसकी क्या महत्वता है आज के जीवन में। माता सती के पहले माता आदिशक्ति परमेश्वरी ने 106 जन्म लिए थे, परंतु उन 106 जन्मों में से किसी भी जन्म में हमें ये उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता कि उन 106 जन्मों में से किसी भी जन्म में माता पार्वती के उन रूपों की अस्थियों से शक्तिपीठ स्थापित हुए हों। ये उल्लेख हमें मिलता है केवल माता सती के समय पे। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि माता सती का नाम भी आधे लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि उनके अस्थियों से ही शक्तिपीठ स्थापित है, नहीं तो किसी को माता सती का नाम भी नहीं पता होता। परंतु जैसा कि सवाल मैंने पूछा था कि माता सती ही क्यों, माता सती की अस्थियों से ही पिंड क्यों स्थापित होने थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमें अपने ग्रंथों में ये प्रमाण मिलता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद से ये बात स्पष्ट होती है कि ये कहा गया था कि देवी पार्वती अपने प्रत्येक जन्म में आदिशक्ति के स्वरूप तक एक बहुत ही असंतुलित अवस्था में पहुँचेंगी और यदि उस अवस्था में उन्होंने उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया तो उनके शरीर का नाश हो जाएगा। सती के जन्म तक भी यही क्रम चला, परंतु इसमें एक बात जो आप लोगों को ध्यान देने वाली है वो ये है कि वो परम ऊर्जा जिसने बार बार मनुष्य रूप में अवतार लिया था, आद्य परमेश्वरी की वो शक्तिशाली ऊर्जा जिसने 106 बार मनुष्य जन्म लिया था, प्रत्येक जन्म में भले ही वो एक असंतुलित अवस्था में आदिशक्ति के रूप तक पहुँची थी और उसके बाद उनका नाश हो गया था, परंतु जैसे जैसे माता पार्वती का जन्म होता जाता था वैसे वैसे वो आद्य चैतन्य ऊर्जा, वो परम ऊर्जा जो मनुष्य रूप में स्थित थी, वो पहले से ज़्यादा जागृत होती चली जाती थी। प्रत्येक जन्म पहले के जन्म से अधिक जागृत, अधिक चैतन्य और अधिक ऊर्जावान होता था। इसी प्रकार जब माता सती का 107वां जन्म हुआ, जो सती के रूप में था, वो जन्म उन सभी जन्मों से अधिक चैतन्य था। इसी कारण से जब उस जन्म में माता सती के शरीर का नाश हुआ तो परमेश्वर की लीला के कारण उन
अंगों से शक्तिपीठों की स्थापना हुई, और इसीलिए माता पार्वती के अगर सबसे जागृत स्वरूप अगर कोई कहे जाते हैं तो वो शक्तिपीठ है। कारण क्या है? क्योंकि वो इतने जागृत हैं कि उनकी आराधना से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उनकी आराधना से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो अस्थियां जो है जिन्हें हम शक्तिपीठ कहते हैं, वो अस्थियां इस हद तक, इस सीमा तक जागृत हैं कि वो अपने साधक का, वो अपने भक्त का हित को सिद्ध करने में सक्षम है। इसके अलावा एक कारण और था जिस कारण से शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक शक्तिपीठ में माता सती का एक अंग स्थापित है, और वो अंग नियंत्रित करता है अपने से जुड़ी हुई संसार के सभी अंगों को। उदाहरण के लिए, हिंगलाज देवी शक्तिपीठ में माता सती का कपाल गिरा था, और यदि कोई व्यक्ति कपाल संबंधित सिद्धियों को हासिल करना चाहता है या कपाल की सिद्धियों को जागृत करना चाहता है तो उसके लिए वो सर्वोच्च स्थल है जहाँ पर वो कर सकता है। दूसरा, इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और लेते हैं जुगाद्या देवी का, जहाँ पर माता सती का अंगूठा गिरा था दाएं पैर का। माता सती के उस अंगूठे में उनका संपूर्ण तंत्र वास करता था, तो यदि कोई व्यक्ति तंत्र सिद्धियों को प्राप्त करने का अभिलाषी है और वो माता जुगाद्या देवी के शक्तिपीठ पर जाकर के आराधना तपस्या साधना करता है तो वो उसकी तपस्या अतिशीघ्र फल देने वाली हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई साधक माता कामाख्या देवी के शक्तिपीठ पर साधना करता है, तपस्या करता है, उसका वो जाप अत्यंत तीव्र होकर के उसे बहुत अधिक फल प्रदान करता है। इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। कामाख्या देवी शक्तिपीठ में माता सती की योनि गिरी थी। इतना तो आप सभी जानते हैं कि कामाख्या देवी का शक्तिपीठ जो है वो जागृत है और अत्यंत जागृत है, और आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि तांत्रिक साधनाएं करने वाले व्यक्ति अन्य शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी शक्तिपीठ को अधिक महत्व देते हैं। और ये बात सत्य भी है कि कामाख्या देवी शक्तिपीठ में तांत्रिक सिद्धियाँ बहुत शीघ्र प्राप्त होती हैं, लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान है, इसके पीछे एक कारण है। इतना तो आप सभी लोग मानते हैं कि कामाख्या देवी शक्तिपीठ जो है वो जागृत है, उसके अंदर शक्ति का वास है। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं या हम तांत्रिक सिद्धियों की बात करते हैं तो आध्यात्म में या तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कुंडलिनी का, जिसे कुल कुंडलिनी कहा जाता है हमारे वेदों में। कुंडलिनी का सबसे महत्वपूर्ण चक्र कौन सा है? आज्ञा चक्र? नहीं। मणिपुर चक्र? नहीं। विशुद्धि चक्र? नहीं। कुंडलिनी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार चक्र। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये मूल आधार है कुंडलिनी का। और प्रमुख तंत्र ग्रंथों में जैसे कि कुलाण्डव तंत्र, नारद संहिता, महाकाल संहिता आदि जैसे ग्रंथों में मूलाधार चक्र को समस्त संसार का केंद्र कहा जाता है, यानी कि वो जगह जहाँ पर आकर के समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत की ऊर्जाएं केंद्रित हो जाती हैं। और मूलाधार की ऊर्जाओं के जागृत होने से ही व्यक्ति तांत्रिक साधनाओं में सिद्ध होता है, प्रबल होता है। मूलाधार चक्र के जागृत होने से हमारी कुंडलिनी स्वतः चलायमान हो जाती है, वो जागृति की अवस्था में पहुंचने लगती है। शरीर में मूलाधार की स्थिति कहाँ होती है? हमारी गुदा और मेढर के बीच में। और स्त्री के अंदर भी मूलाधार की स्थिति होती है उसकी योनि और गुदा के बीच में। जहाँ पर माता कामाख्या देवी का शक्तिपीठ स्थापित है वहाँ पर माता की योनि स्थापित है, और उनकी योनि के साथ साथ में वहाँ पर माता सती का मूलाधार चक्र भी स्थापित है जो कि निरंतर जागृत अवस्था में है। और यही कारण है कि कामाख्या देवी शक्तिपीठ पर की जाने वाली साधनाएं तीक्ष्ण प्रभावी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले से आप मूलाधार चक्र की जागृत ऊर्जाओं का लाभ ले रहे हो। जिस प्रकार शमशान में साधना करने पर आपको बलि की ऊर्जा स्वतः प्राप्त हो जाती है बिना कुछ किए, उसी प्रकार कामाख्या देवी शक्तिपीठ में साधना करने पर आपको जागृत मूलाधार चक्र की वो अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं जिनसे कि एक साधक सिद्धि की ओर प्रस्थान करता है। अब हम बात करते हैं कि सामान्य व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत क्यों नहीं हो पाता। आप सभी को पता है कि मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें चार पंखुड़ियों के अंदर शिवलिंग की पूजा करते हुए भगवान गणेश विराजमान है। मूलाधार में कामरूप पीठ भी स्थापित है, यानी कि वो पीठ जहाँ पर कामदेव का वास है, और इसी कारण से काम उत्तेजनाओं का प्रवाह जो है व्यक्ति के शरीर में होता है। इसके अलावा इसके अधिष्ठात्य देवता ब्रह्मा है, और इसका मंडल जो है वो चकोर है। लाल इस चक्र का रंग है और पृथ्वी इस चक्र का तत्व है, और इस चक्र का जो मूल बीज मंत्र है वो भी पृथ्वी बीज लम है। परंतु इतनी बातों के अलावा एक बात और है जिसका जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, वो ये है
कि मूलाधार चक्र में इतने देवी देवताओं के साथ में एक डाकिनी का भी निवास होता है। वो डाकिनी रक्षक है मूलाधार चक्र की। वो डाकिनी रक्षा करती है मूलाधार चक्र की नकारात्मक ऊर्जाओं से। और जब आप मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास करोगे तो यही डाकिनी आपकी ऊर्जाओं को सोख करके आपका ब्रह्मचर्य खंडित कर देगी, आपके वीर का स्खलन करवा देगी, जिस कारण से आप ऊर्जा का संचय नहीं कर पाओगे और आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं हो पाएगा। और यदि आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हो तो आपको लम बीज मंत्र से पहले वम शम सम और सम इन चार बीज मंत्रों की एक एक माला जाप करनी चाहिए। उसके बाद आप जब लम बीज मंत्र का जाप करोगे तो आपकी ऊर्जाएं जो हैं संरक्षित रहेंगी, आपकी ऊर्जाओं का स्खलन नहीं होगा। कामाख्या माता के मंत्र का जाप करने से आपके मूलाधार चक्र स्वतः जागृति की ओर आकर्षित होता है और उसके अंदर वास करने वाली डाकिनी भी आपको परेशान नहीं करती। यही कारण है कि कामाख्या देवी मंदिर पर होने वाली साधनाएं अतिशीघ्र सिद्ध होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। बाकी जो जानकारी है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दूंगा, और अगली वीडियो में आपको मैं माता कामाख्या की साधना भी दूंगा ताकि आप लोग अपने जीवन में उसका लाभ ले सकें, अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकें। और अन्य भी कुछ फ़ायदे इसके हैं जो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसके अंदर उसको बताने लगूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो डाली जाएंगी। और मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर आपको जो जानकारी है उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।